नमस्कार दोस्तों, तो हम आज बताना चाहते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। तो फुल वेव रेक्टिफायर क्या होता है? जैसा कि जानते हैं कि रेक्टिफायर वैसे ही तीन तरह के होते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर और फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। तो हम रेक्टिफायर से क्या करते हैं, क्या रेक्टिफायर से हम एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं। तो चलिए हम जानते हैं फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर क्या होता है। तो चलो, इसमें सबसे पहले क्या होता है, फुल वेव रेक्टिफायर में एक ट्रांसफार्मर होता है जिसमें हम दो डायोड यूज़ करते हैं, ऐसे एक डायोड D1 और एक डायोड D2। ये जो डायोड होते हैं दो, जो एक नेगेटिव बायस में काम करता है और एक पॉजिटिव बायस में काम करता है। जब नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई होती है तो D2 डायोड काम करता है, और जब पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई होती है तो डायोड D1 कार्य करता है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें हम इसके बाद एक लोड रेजिस्टेंस लेते हैं, जो इसके हम सेंटर टैप ट्रांसफार्मर के बीच में बीच वाली वायरिंग भी लगाते हैं। इसके बाद इसमें से हम यहाँ से आउटपुट प्राप्त करते हैं, जो आपको ये दो पॉइंट दिख रहे होंगे, एक ये और एक ये, यहाँ से हम आउटपुट प्राप्त करते हैं। तो चलिए बताते हैं कि वर्क कैसे करता है। जब हम ट्रांसफार्मर पर इस पर बाइंडरी पे हम एसी अप्लाई वोल्टेज अप्लाई करते हैं, तो जब ये पॉजिटिव वोल्टेज होता है तब डायोड D1 कार्य करता है। तो जब डायोड D1 कार्य करता है तो डायोड D2 रिवर्स बायसिंग में होता है, इसलिए डायोड D2 कार्य नहीं करता। और जब नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई होती है तो डायोड D1 रिवर्स बायस में होता है, और डायोड D2 जब ये जो डायोड है ये वर्क करने लगता है। तो इससे हमें दो नेगेटिव साइकिल, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव साइकिल प्राप्त होती है। तो उसकी वेव फॉर्म जो है वो अलग है। चलो, वेव फॉर्म मैं आपको दूसरे वीडियो में बताता हूँ।